नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित हुए थे। झुंड के झुंड गोएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का द्वादश वार्षिक यज्ञ आरंभ था। जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्नि देव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस समय महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथा योग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सब ने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छहों शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगमरूप संसार सृष्टि से पहले कहां लीन था और अब फिर कहां लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा तथा एक रूप और सर्वविजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म में भी सूक्ष्म हैं तथा प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्रीहरि तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्र के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वही पापनाशिनी कथा मैं इस समय कहूंगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी।
उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए सर्वलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार तथा अहंकार से सबसे सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर जल से अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया है, उससे एक बहुत ही विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ऐसा सुना जाता है, सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने एक वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से भूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर दसों दिशाएं निश्चित की, साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में यह 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा का तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के साथ बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवताओं भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ, उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री आयोनिजा शत्रुपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभव मनु कहे गए। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियवत तथा उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कदर्म प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए: सम्राट, कृषि, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी श्रुणुता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु, ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने शिलिष्टि और भव्य, इन 2 पुत्रों को जन्म दिया।
शिलिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, व्रकल और व्रक तेजा ये पांच पुत्र उत्पन्न किए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुरुष को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्कारिणी से, जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी, चक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नडवला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतुघ्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निशुद्ध, अतिरात्र, सुगम्न तथा अभिमन्यु। पुरुष से आग्रेय ने अंग, सुमना, स्वाति, कृतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिशक्ति होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान निपुण सुत और माघत प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था।